श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन, सभी का स्वागत, अभिनंदन। जन सरोकार मंच टोंक के इस कार्यक्रम में मेरा ये प्रथम लाइव कार्यक्रम है। मैं अपनी रचनाएं प्रारंभ करूं इससे पूर्व मंच का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे को कुछ समय दिया, और मैं अपनी काव्य पाठ का शुभारंभ माँ सरस्वती की अर्चना में एक दोहे और एक काव्य से शुरू करता हूँ। कृपा करो माँ शारदा देकर मुझको ज्ञान, माँ वीणा ज्ञानेश्वरी मैं बालक नादान, माँ वीणा ज्ञानेश्वरी मैं बालक नादान। माँ की अर्चना में काव्य पाठ देखिए। करूं समर्पित प्रथम पुष्प में सरस्वती के चरणों में, अंधकार को दूर करो माँ ज्योति भरो माँ नैनों में। करूं समर्पित प्रथम पुष्प में सरस्वती के चरणों में, अंधकार को दूर करो माँ ज्योति भरो माँ नैनों में। काव्य चेतना जगे हृदय में जग में अलख जगा पाऊं, राष्ट्र प्रेम के भाव जगे मन माँ का मान बढ़ा पाऊं, माँ का मान बढ़ा पाऊं। शिक्षित और सुसभ्य कब बने सब, प्रेम परस्पर जग जाए, कोकिल कंठी स्वर दे दो माँ, कोकिल कंठी स्वर दे दो माँ, ज्ञान दीप सर लहराए। राग द्वेष रहे न मन मेरे, राग द्वेष रहे न मन मेरे, उजियारा घर भर छाए, और सत्य राह पर चलू सदा ही, मुझको नींद सुखद आए। वैर भाव को त्याग सके तो प्रेम हृदय में जग जाए, मोह लोभ से दूर रहूं मैं, स्वार्थ न मन में आ पाए। सत्कर्मों के बल पर ही मैं जीवन अपना जी पाऊं, भटक न पाऊं कभी लक्ष्य में, दंभ नहीं मन में लाऊं। मैं अब आप सबके सामने कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, छंदों में चातुर्य इन दोहों का शीर्षक है। मधुर स्वाद को रस कहे यही काव्य की गंध, मधुर स्वाद को रस कहे यही काव्य की गंध, अलंकार का छंद में है विशेष संबंध। रस कविता का प्राण है छंद सुनिश्चित राह, और अलंकार वर्धित करे लय गति और प्रवाह। छंद काव्य का गीत में है विशेष संबंध, छंद गीत में भर सके रंगत भरी सुगंध। छंद अलंकार सौंदर्य है कविता का माधुर्य, दिखती कवि की दक्षता छंदों में चातुर्य। एक देखिए दोहा, बिना कथ्य के विल्प का आखिर क्या औचित्य, बिना कथ्य के शिल्प का आखिर क्या औचित्य, कथा सृजन में भाव से बनता है लालित्य, कथा सृतन में भाव से बनता है साहित्य। शिल्प बिना बनता नहीं कोई अच्छा छंद। श्रेष्ठ शिल्प का हो सृजन वही श्रेष्ठ कवि वृंद। लय सुर से ही छंद में आती सदा मिठास, लय सुर से ही छंद में आती सदा मिठास, भाव बिना लय ताल के गीत बने कब खास। नमस्कार, जन सरोकार मंच में जो भी लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उन सभी का नमन करता हूं। ममता लड़ीवाल यहां पर आई है, बिटिया मेरी है, स्वागत उनका। और मैं एक रचना आपके सम्मुख रख रहा हूं, उससे पहले मैं एक मुक्तक पेश करूं। सभी सखा संग माखन चोरी करता नटखट का नारे, नित्य छेड़ता है सखियों को जाकर पनघट का नारे।
गोपी माँ को मिले उलाना करे शिकायत काना की, ग्वाला बनकर नित संध्या में दौड़े सर पटकाना रे, दौड़े सर पटकाना रे। एक मुक्तक और देखिए, ये तो सच है कि दुष्कर्मी की कोई जात नहीं होती, ये तो सच है कि दुष्कर्मी की कोई जात नहीं होती, राजनीति कब करे सियासत, राजनीति जब करे सियासत वह बर्दाश्त नहीं होती। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पाक नहीं दामन जिनका, छिपे भेड़िए इंसानों में, छिपे भेड़िए इंसानों में, जिनकी औकात नहीं होती, जिनकी औकात नहीं होती। अब एक गीत रचना के साथ मैं अपना काव्य पाठ जो है आगे बढ़ाता हूं। अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और उसी समय मैंने एक गीत लिखा था और पहुंचा, अभी दशहरा भी चला गया है, तो शीर्षक है गीत का, पहुंचा स्वर्ग सीधा। एक्चुअल में नारी उत्पीड़न जैसा कलयुग में होता है वैसा त्रेता युग में नहीं हुआ, ये इससे आभास होगा गीत से। आप देखिए, रावण का उद्धार हुआ जब पहुंचा स्वर्ग सिधार, रावण का उद्धार हुआ जब पहुंचा स्वर्ग सिधार, त्रेता युग में उस रावण ने किया नहीं व्यभिचार, त्रेता युग में उस रावण ने किया नहीं व्यभिचार। अब जो बंद है, पहला बंद है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि निर्लज्जता की जो सीमा है वो कलयुग में जिस तरह पार हो रही है ऐसा त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर तक में भी नहीं हुआ होगा। पर कलयुग में जिनके दिल में बैठा रावण आज, करते भी व्यभिचार बहुत ही जरा न आती लाज। पर कलयुग में जिनके दल में बैठा रावण आज, करते भी व्यभिचार बहुत ही जरा न आती लाज। अपने अंदर के रावण का करो जरा आभास, और बाहर के रावण तो मरकर जीवित हो हर बार, हृदय विराजे इस रावण का कैसे हो संहार, कैसे हो संहार, त्रेता युग के उस रावण ने किया नहीं व्यभिचार। दूसरा बंद है, आसुरी शक्तियां जो है वो विनाश का संकेत देती है हमको, और आसुरी शक्ति के विनाश का संकल्प जो इस बंद में किया गया है, विजय पताका फहराने की जो भी रखता आस, विजय पताका फहराने की जो भी रखता आस, विजय पर्व पर करे प्रतिज्ञा मन में रख विश्वास, विजय पर्व पर करे प्रतिज्ञा मन में रख विश्वास। आदिशक्ति की करके पूजा, नवरात्रा के बाद ही दशहरा आता है, आदिशक्ति की हम नवरात्रा में पूजा करते हैं, आदिशक्ति की करके पूजा लिया एक संकल्प। और रावण ने, राम जी ने भी नवरात्रा की पूजा करने के बाद जो है उस संकल्प लिया था, आदिशक्ति की करके पूजा लिया एक संकल्प, असुर शक्ति को नष्ट करें हम इस पर करें विचार, करें करें सजा कर मन मंदिर को जीवन में श्रृंगार, अपने मन मंदिर में जो हृदय में जो ईश्वर है, करे सजा कर मन मंदिर को जीवन में श्रृंगार, त्रेता युग के उस रावण ने किया नहीं व्यभिचार। अगला बंद है, आत्मविश्वासी को अनायास हनुमान जैसा सहयोगी हमेशा मिलता है, हर युग में मिलता है, श्रद्धा से अगर उनको ध्यान किया जाए तो। आत्मशक्ति को वही बटोरे जिनके मन उत्साह, आत्मशक्ति को वही बटोरे जिनके मन उत्साह, मित्र मिले बजरंग बली से, मित्र मिले बजरंग बली से, सरल करे जो राह, सद्भावी सद्भावी लक्ष्मण से भ्राता रखे सभी से नेह, और धैर्य रखे जो भी जीवन में करे सेतु को पार, धैर्य रखे जो भी जीवन में करे सेतु को पार, साहस के बल पर ही मानव जीत सके संसार, साहस के बल पर ही मानव जीत सके संसार। और आखिरी बंद है, मर्यादित जीवन जो है उसकी सीख हमें रामायण से मिलती है, रामायण जैसा सीख का ग्रंथ है, गीता जैसे सीख के ग्रंथ हैं, ये हमारी धरोहर है। लक्ष्य प्राप्त कर लेता जो भी उसकी जय जयकार, लक्ष्य प्राप्त कर लेता जो भी उसकी जय जयकार, जगमग हो जीवन उसका, जगमग हो उसका ही जीवन, खुशियां मिले अपार। रामचरितमानस सिखलाता, रामचरितमानस सिखलाता है जीवन का मंत्र, और हर नारी की लाज बचाने व्यभिचारी को मार, हर नारी की लाज बचाने व्यभिचारी को मार, मर्यादित जीवन जो जीते उसका ही उद्धार, मर्यादित जीवन जो जीते उसका ही उद्धार, रावण का उद्धार हुआ जब पहुंचा स्वर्ग सिधार, त्रेता युग के उस रावण ने किया नहीं व्यभिचार, त्रेता युग के उस रावण ने किया नहीं व्यभिचार। सभी का स्वागत, अपनी रचना
आगे बढ़ाने के लिए एक गीत लिखता हूं और प्रस्तुत करता हूं। देखिएगा, गीत प्रस्तुत करने से पहले घनाक्षरी मनहरण घनाक्षरी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मनहर घनाक्षरी जो है वो वैसे तो 16 15 31 होती है, लेकिन श्रेष्ठ जो होती है वो 8 8 8 7 जो है वार्णिक छंदों पर आधारित होती है। कवि ऐसे बहुत हैं जानते नहीं छंद को, कैसे कवि ऐसे बहुत हैं जानते न छंद को, तुकबंदी करके ही मंत्र वे सजाते हैं। जिनमें साहित्य नहीं उसमें लालित्य नहीं, आशिक के ही नाम पर कविता सुनाते हैं। कवि ऐसे बहुत हैं जानते न छंद को, तुकबंदी करके ही मंच वे सजाते हैं। जिनमें साहित्य नहीं उनमें लालित्य नहीं, हास के ही नाम पर कविता सुनाते हैं। कुरूतियों पर कवि करे न प्रहार कोई, ऐसे कवि आजकल मंच हड़ पाते हैं। ऐसे कवि आजकल मंच हड़ पाते हैं। गुप्त और निराला भी देख कर ऐसी दशा, लगता है स्वर्ग से ही आंसू टपकाते हैं। लगता है स्वर्ग से ही आंसू टपकाते हैं। एक और छंद देखिए, अभी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती गई है तभी मैंने लिखा है। आज गांधी देखते तो दुखी हो रो रहे होते, हाल ये बेहाल देख ऐसा इस देश का। आज गांधी होते तो दुखी हो रो रहे होते, हाल ये बेहाल देख ऐसा इसी देश का। करे शहादत नेता जो भी हो काबिज यहाँ, कैसे हो सकता ऐसे भला किसी देश का। कैसे हो सकता भला ऐसे कैसी देश का। कल्याण कल्पना कल्याण की ही कर गए थे गांधी, जनतंत्र का विकास होगा जब देश का। जनता भी सजग हो जान लो जरूरी है ये, स्वप्न भी साकार होगा तभी इस देश का। स्वप्न भी साकार होगा तभी इस देश का। इसके बाद मैं एक गीत रचना आपके सामने रख रहा हूँ। गीत रचना जो है वो दरअसल कल सोमवार गया है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का, तो मैंने रचना लिखी है। ये सार छंद में है, 16-12 मात्राओं का सार छंद होता है। शंकर तो अविनाशी बाबा डम डम डमरू बोले, शंकर तो अविनाशी बाबा डम डम डमरू बोले। सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले, सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले। महादेव जब नृत्य करे तो देव पुष्प बरसाते, महादेव जब नृत्य करे तो देव पुष्प बरसाते। बजा मृदंग नाचते गाते केशव भी हर्षाते, केशव भी हर्षाते। तांडव करते प्रलय कराने नेत्र तीसरा खोले, तांडव करते प्रलय कराने नेत्र तीसरा खोले। सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले, जय शिव शंकर भोले। अगला बंद है, किया गरल का पान तभी शिव नीलकंठ कहलाते, गरल गिया का पान तभी शिव नीलकंठ कहलाते। बने अर्थ नारीश्वर खुद ही सबको खूब नचाते। रहे हिमालय गोरी के संग भीष्म सब रमाए डोले, रहे हिमालय गोरी के संग भीष्म रमाए डोले। सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले, सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले। थाम जटा में पावन गंगा उसे धरा पर लाए, थाम जटा में पावन गंगा उसे धरा पर लाए। त्रिशूलधारी डमरूधारी भूतेश्वर कहलाए, त्रिशूलधारी डमरूधारी भूतेश्वर कहलाए। लिए दतुरा बम बम भोले, लिए लिए भंग के गोले, लिए दतुरा बम बम भोले, पिए भंग के गोले। सबकी नैया पार लगाते शिव शंकर भोले। आखिरी बंद है, रुद्र रूप धर मारुति नंदन बने त्रेत्रा में आए, रुद्र रूप धर मारुति नंदन बन त्रेता में आए। संकट मोचक मान भक्तगण अपनी व्यथा सुनाए, भक्त आपका लेता लक्ष्मण नदिया में हिचकोले। और सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले, सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले, सबकी नैया पार लगाते जय शिव शंकर भोले। अभी 31 तारीख को हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकमात्र ऐसे हमारे लौह पुरुष हुए हैं जिन्होंने देश का एकीकरण, सब राज्यों का एकीकरण करने का जबरदस्त कार्य किया। आज देश एक उसी की वजह से है। उनको श्रद्धा नमन करते हुए एक गीत रचना मैं पढ़ रहा हूं। एक कुंडलिया छंद आपके सामने पढ़ता हूं। पावन ये धरती यहाँ निखरा निखरा रूप, स्वर्णिम आभा भोर में चमकाती है धूप। चमकाती है धूप स्वर्ण सी बिकती चादर, स्वर्ण सी बिछती चादर। बना हिमालय बाल मुकुट बन देता आदर,
लिखना लक्ष्मण छंद काव्य में महके कानन, उगले सो नाखेत धराये इतनी पावन, उगले सो नाखेत धराये इतनी पावन। और देखिए एक, अपनी ये अभिनव धरा बना हिमालय भाल, सागर पांव पसारते सागर पांव पखारते, गंगा बहुत विशाल गंगा बहुत विशाल, धरा पर सोना उगले, दुनिया भर के लोग लूटने आए पगले, लूटने आए पगले। यहां जड़े मजबूत सभ्यता गंगा जमनी, और सदा नवाए शीश धरा ये माता अपनी, सदा नवाए शीश धरा ये माता अपनी। अब लोह पुरुष पर मैं रचना गीत रचना पढ़ता हूँ। देश समूचा सदा मानता जिन का ये आभार, देश समूचा सदा मानता जिनका ये आभार, हुआ न बल्लभ भाई जैसा लोह पुरुष सरदार, हुआ न बल्लभ भाई जैसा लोह पुरुष सरदार। भारत में थी कई रियासत, भारत में थी कई रियासत, राजा हुए अनेक, राजपाट त्यागे सब राजा बने देश तब एक। विलय कराते राज्य सभी के सब सबसे किया करार, सबसे अनुबंध किया, सबसे किया करार, हुआ न बल्लभ भाई जैसा लोह पुरुष सरदार। अगला बंद है, लोकतंत्र लाना भारत में हृदय लिया संकल्प, और करे समर्पित राजा सारे दूजा नहीं विकल्प, और कोई विकल्प नहीं था। लोकतंत्र लाना भारत में हृदय लिया संकल्प, करे समर्पण राजा सारे दूजा नहीं विकल्प, देश बने संपूर्ण एक ही है यही एक आधार, और हुआ न बल्लभ भाई जैसा, हुआ न बल्लभ भाई जैसा लोह पुरुष सरदार। अंतिम बंद है, राज्य समर्पण कौन कराए, राज्य समर्पण कौन कराए, डाले कौन नकेल, और लोह पुरुष ने किया काम ये कहते उन्हें पटेल। प्रजातंत्र लाए भारत में स्वप्न हुआ साकार, और सब प्रजातंत्र लाए भारत में स्वप्न हुआ साकार, हुआ न बल्लभ भाई जैसा लोह पुरुष सरदार, हुआ न बल्लभ भाई जैसा लोह पुरुष सरदार। एक रचना और आपके सामने गीत रचना ही पढ़ता हूं, मेरे को गीत ज्यादा प्रिय है। देखिए ताटक छंद में ये गीत है, ताटक छंद 16-11 मात्राओं में, जिनमें तीन गुरु होते हैं। भारत माँ के वीर सपूतों फिर हथियार उठाना है, भारत माँ के वीर सपूतों फिर हथियार उठाना है, लड़े लड़ाई आर पार की रिपु को मार भगाना है, रिपु को मार भगाना है। बंद देखिए, क्या होता है उन्हें बता दे टकराना चट्टानों से, राजा और शिवा के वंशज डरे नहीं तूफानों से, राजा और शिवा के वंशज डरे नहीं तूफानों से। शौर्य भरा इतिहास यहाँ का राजपूती रणवीरों से, जाट मराठा और कुमाऊ सिखों के रणधीरों से, जाट मराठा और कुमाऊ सिखों के रणधीरों से। अंग भंग कर दुश्मन दल को अपना शौर्य दिखाना है, लड़े लड़ाई आर पार की रिप को मार भगाना है। दूसरा बंद, अंगद पांव जमा देता फिर उसको कौन हिला पाता, अंगद पांव जमा देता फिर उसको कौन हिला पाता। शिव को विस्तो माँ काली को दुश्मन का लोहू भाता, शिव को विस्तो माँ काली को दुश्मन का लोहू भाता। मरा नहीं पौरुष वीरों का झुक जाए है वानों से, मरा नहीं पौरुष वीरों का झुक जाए है वानों से, और लड़े शत्रु अब परशुराम से याद दीची संतानों से, लड़े शत्रु अब परशुराम से याद दीची संतानों से। यही समय है भारत वीरो रिपु का दंभ मिटाना है, यही समय है भारत वीरो रिपु का दंभ मिटाना है, और लड़े लड़ाई आर पार की। अगला बंद है, भारत माँ के फौजी बेटे लिए तरंगा जाते हैं, लोहा लेते जब दुश्मन से राष्ट्रवंदना गाते हैं, लोहा लेते जब दुश्मन से राष्ट्रवंदना गाते हैं। उन वीरों का देख हौसला दुश्मन दल घबराते हैं, उन वीरों का देख हौसला दुश्मन दल घबराते हैं। अपने प्राण लुटाकर वापस ओढ़ तिरंगा आते हैं, अपने प्राण लुटाकर वापस ओढ़ तिरंगा आते हैं। मातृभूमि है माता अपनी इसकी लाज बचाना है, मातृभूमि है माता अपनी इसकी लाज बचाना है, और लड़े लड़ाई आर पार की रिपु को मार भगाना है, लड़े लड़ाई आर पार की रिपु को मार भगाना है। अगला आखिरी बंद है, नापाक इरादे पाले दुश्मन रात अंधेरी आता है, करगिल या गलवान हमेशा पिट कर वापस जाता है, करगिल
करगिल या गलवान हमेशा पिटकर वापस जाता है। चीन पाक तुम दोनों सुन लो, बाज नहीं यदि आओगे। चीन पाक तुम दोनों सुन लो, बाज नहीं यदि आओगे। सदियों तक राफेल मार को भुला नहीं पाओगे, सदियों तक राफेल मार को भुला नहीं तुम पाओगे। हमने भी अब ठान लिया है, हमने भी अब ठान लिया है कैसे तुम्हें मिटाना है। लड़े लड़ाई आर पार की ऋतु को मार भगाना है, भारत माँ के वीर सपूतों सिर हथियार उठाना है। लड़े लड़ाई आर पार की ऋतु को मार भगाना है। एक गीत आपके सामने रखता हूँ। ये गीत एक्चुअल में बड़ी वेदना हुई जब सांभर में झील के पानी में हजारों लोग, हजारों पक्षी, जो देश विदेश से पक्षी आते हैं, वो काल कलवित हो गए, मर गए, और जहरीले पानी के कारण। तब मैंने ये गीत लिखा है, हृदय चेतना लाए। नीर झील का हुआ विशैला किसको अपनी व्यथा सुनाए, नीर झील का हुआ विशैला किसको अपनी व्यथा सुनाए। मीठा शीतल नीर झील का खुद वृंदों को खूब रिझाए, मीठा शीतल नीर झील का खग वृंदों को खूब रिझाए। मरे परिंदे यहाँ हजारों जल ही जीवन को झुटलाए, मरे परिंदे यहाँ हजारों जल ही जीवन को झुटलाए। और अखबारों में पड़ी वेदना नयन अश्क सबने छलकाए, अखबारों में पड़ी वेदना नयन अश्क सबने छलकाए। राजनीति के गलियारों में क्यों सब व्यर्थ विवाद बढ़ाए, राजनीति के गलियारों में क्यों सब विवाद बढ़ाए, क्यों सब व्यर्थ विवाद बढ़ाए। दूसरा बंद है, गंगा यमुना तक के जल को मलिन किया है मानव ने ही, गंगा जमुना तक के जल को मलिन किया है मानव ने ही। दूषित जल से कैसे कोई प्यास बुझा सकता है देही, दूषित जल से कैसे कोई प्यास बुझा सकता है देही। जीवन का परियार यहाँ पर माना जगने सदा नीर को, जीवन का परियार यहाँ पर माना जगने सदा नीर को। शुद्ध रहे जल स्रोत सभी जब, शुद्ध रहे जल स्रोत सभी सब करे सुरक्षित नदी तीर को। नदी तीर का पानी सुरक्षित रहेगा तब जा करके जल स्रोत जो है स्रोत हमें मिलेगा। जल संरक्षण हो जीवो हित, जल संरक्षण हो जीवो हित सबके हृदय चेतना लाए। और नीर झील का हुआ विशैला किसको अपनी व्यथा सुनाए, किसको अपनी व्यथा सुनाए। ताल तलैया सूखे सारे खूब किया भूजल का दोहन, ताल तलैया सूखे सारे खूब किया भूजल का दोहन। चिड़ा रहे नलकूप गांव में, चिड़ा रहे नलकूप गांव में खाली है पनघट हे मोहन, खाली है पनघट हे मोहन। छेड़छाड़ भी पनिहारिन से कहाँ करोगे कृष्ण कन्हैया, छेड़छाड़ भी कहाँ करोगे, कहाँ करेंगे कृष्ण कन्हैया, छेड़छाड़ भी पनिहारिन से कहाँ करेंगे कृष्ण कन्हैया। वृक्ष उगा कर जल संचय से भरना फिर से ताल तलैया, वृक्ष उगा कर जल संचय से करना फिर से ताल, भरना फिर से ताल तलैया। क्यों आंखों को मूंदे मानव, क्यों आंखों को मूंदे मानव, आओ कल को आज सजाए। और नीर झील का हुआ विशैला किसको अपनी व्यथा सुनाए, नीर झील का हुआ विशैला किसको अपनी व्यथा सुनाए। अंतिम क्षणों में एक रचना आपके सामने और रखता चलता हूं। एक रचना मैं अपने जीवन चक्र पे सुनाता हूं। चक्र सरी की लगे जिंदगी घूमे सकल जहान, सरसी छंद में है ये, सरसी छंद 16-11 मात्राओं का होता है। चक्र सरी की लगे जिंदगी घूमे सकल जहान, शुरू भोर में हुई जिंदगी भरती रहे उड़ान, शुरू भोर में हुई जिंदगी भरती रहे उड़ान। पहला बंद है, चौराहे पर खड़ी जिंदगी मुश्किल में है प्राण, चौराहे पर खड़ी जिंदगी मुश्किल में है प्राण। निर्जन वन को दीन निहारे कौन बचाए त्राण, निर्जन वन को दीन निहारे कौन बचाए त्राण। सत्कर्मों से मानव जीवन कहते सभी सुजान, सत्कर्मों से मानव जीवन कहते सभी सुजान। चक्र सरी की लगे जिंदगी घूमे सकल जहान। अगला है, प्राची से प्रारंभ जिंदगी मिली हमें सौगात, और यौवन भरा उफान जिंदगी देखे देवे सुखल प्रभात, यौवन भरा उफान जिंदगी देखे सुखद प्रभात। ज्ञान प्राप्ति से समझे जीवन ज्ञानी वह इंसान, और चक्र सरी की लगे जिंदगी घूमे सकल जहान। अंतिम बंद देखिए, हो जाती जब शाम जिंदगी होते अपने दूर, कठिन डगर सी लगे जिंदगी कष्ट मिले भरपूर,
कठिन जगर सी लगे जिंदगी कष्ट मिले भरपूर, रखे हौसला जो जीवन में, रखे हौसला जो जीवन में पाता वही निदान, रखे हौसला जो जीवन में पाते वही निदान, चक्रसरी की लगे जिंदगी चक्रसरी की चले जिंदगी घूमे सकल जहान, घूमे सकल जहान। कुछ सवैया आपके सामने पढ़ लेता हूँ। एक मदिरा सवैया है, वो दो एक एक मतलब भगण जो है सात बार उसमें आते हैं और अंत गुरु आता है। कृष्ण रचावत रास तभी सब गोप नचावत है उनको, कृष्ण रचावत रास तभी सब गोप नचावत है उनको, उद्धव से सखियां कहती मन एक रिझावत है उनको, उद्धव से सखियां कहती मन एक रिझावत है उनको। प्रश्न करे सब गोयन सब गोप समझाने जब आता है, प्रश्न करे सब गोपन उद्धव देत न जवाब मनावत उनको, प्रश्न करे सब गोपन उद्धव देत न जवाब मनावत उनको, और नहीं दिल माही सखा मन एक दिया हमने उनको, हम एक मन जो था वो कृष्ण जी को दे दिया। दूसरा देखिए इसी में, प्राण गवा कर लाज बचा कर गर्वित हो मन भाव सदा, प्राण गवा कर लाज बचा कर गर्वित हो मन भाव सदा, शीश नवा कर अर्ज करू ये नित्य करूं अब, नित्य करूं अब फर्ज अदा, हो न गुमान मुझको प्रभु, हो न गुमान मुझको प्रभु, दुष्ट कर न प्रयास कदा, ई सुनो ये अर्जन कष्ट कभी मम हाकर सहे विपदा। एक मतगंध सवैया देखें, आंचल में ममता जिनके वह कष्ट सहे पर कोख बचाए, आंचल में ममता जिसके वह कष्ट सहे पर कोख बचाए, दूध पीला ये भगण के साथ के साथ दो गुरु होते हैं इसमें, इतना ही फर्क है, उनमें भी भगण साथ था एक गुरु था, इसमें दो गुरु हैं मतगंध सवैया में। तो आंचल में ममता जिसके वह कष्ट सहे पर कोख बचाए, दूध पीला शिशु पाल रही वह माँ कहला कर आदर पाए, माँ कहला कर आए आदर पाए, माँ जब हाथ रखे प्रभु के सिर ईश ईश, माँ जब हाथ रखे प्रभु के सिर ईश हर से अरुशीष झुकाए, और ज्ञान शिशु को जग में ज्ञान करा शिशु को जग में, पहली गुरु माँ उसकी कहलाए, पहले गुरु माँ उसकी कहलाए। दो चार जो है अपनी एक गीतिका या कहें या गजल कहें वो पढ़ देता हूँ, चार पंक्तियों की। शब्द ब्रह्म ब्रह्मांड में भ्रमण करे चमोर, शब्दों का भी संक्रमण दुख देता अति घोर, शब्दों का भी संक्रमण दुख देता अति घोर, लक्ष्मण रेखा खींचकर दिया हमें संदेश, फैल रहा है संक्रमण जिसका और न छोर, जिसका और न छोर, बिन सोचे लांगे नहीं मर्यादित आदेश, राष्ट्र धर्म की पालना लाएगी फिर भोर, राष्ट्र धर्म की पालना लाएगी फिर भोर, बीमारी फैला रहे रखकर देश दुराव, बीमारी फैला रहे रखकर देश दुराव, कोर न कोई पालना करे न कोई पालना जिनके मन में चोर का। टाइम पूरा हो गया। जन जन को दे जन जन को ये दे रहे कोरोना के घाव, और इनकी इनके आका कर रहे बिना बात ही शोर, इनके आका कर रहे बिना बात ही शोर। ये